सक्षम प्रियांशु शौर्य श्रुति श्रुति से बात कर लेते हैं। श्रुति भी बोल रही थी, उनका नंबर तो भी नहीं दिख रहा। अब श्रुति बताओ भी। हेलो, गुड हेलो, यस हेलो, इवनिंग गुड इवनिंग, बताइए। हीरोइनों की तरह बात मत करो, काम की बात करो, ठीक है ना। सर। वो मुझे एक डाउट है कि मुझे मेरी मम्मी पढ़ने नहीं देती है, मतलब बोलती है तुम पागल ये क्या था, ये कौन सा खानदान है भाई, पढ़ने नहीं देते? मिडिल क्लास के नहीं हो लगता है, जाओगी। नो रिच सर, नो नॉट लाइक दैट, बट वो सच में नहीं पढ़ने देती है। मतलब उनको लगता है मैं पागल हो जाऊंगी, उनको लगता है इतना क्या है, ऐसी कौन सी IIT की पढ़ाई है। सब शीट कितनी कर ली, कंटिन्यूटी की शीट हो गई पूरी? पूरी हो गई हो, डिफरेंशिएबिलिटी की कॉन्सेप्ट बिल्डअप 1 2 ऑलमोस्ट पूरा हो गया, 3 पे हूँ। ठीक है, बढ़िया है। मम्मी से बात करो तो। सर मम्मी से बात करा रही, प्लीज कर लीजिए सर। यस सर, मम्मी वो सर आपसे बात करेंगे, सुन लो। और अब सुनो उनकी बात, सर उनसे बोल दीजिएगा कि नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ना सुनाई मैम, नहीं रहा। बताइए। हेलो हेलो सर, 1 मिनट, हाँ मैम, बताइए। ये 1 मिनट की आवाज आ रही है। हेलो, यस हेलो। अरे मेरी बेटी तो बहुत खुश हो गई है सर, इतना अरे इतना खुश भाई, सर हो गई आपको है कुछ कि समझ बाप आएंगे? रे, सर मेरी सर आपको आपको कुछ कुछ समझ समझ आएंगे? आएंगे। अरे बात बात कर लें, आप लोग इसी तरह से खुशी का इजहार करते रहेंगे रात भर बैठ के, हैं? हाँ, बताइए सर, बताइए। मतलब बढ़िया है, मतलब मैं डिनर करना चाहता हूँ, टाइम हो रहा है, आप जल्दी बताएंगे अपनी बात? देती हैं। अरे सर, कोई ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों के नहीं पढ़ने देंगे? ये सुबह से कंटिन्यू समझ लीजिए कि 6 बजे से अगर ये तो, और 11:30-12 बजे तक सिर्फ ये दो दो तीन तीन मिनट के लिए, दो दो तीन तीन घंटे में उठती हैं सर बस। तो कंटिन्यू इतना पढ़ती, इतना हम सोचते हैं कि सर कहीं दिमाग उमाग पे नहीं कंटिन्यू तो धोखा हम भी दे। पढ़ा रहे थे कुछ दिन पहले, ये भी कंटिन्यूस पढ़ती है, हम भी कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे। ये तो बढ़िया है ना, हाँ चैप्टर और नेचर आदमी का एक जैसा हो जाए तो इससे अल्टीमेट क्या होगा? नहीं, सर, तो ये रात को पढ़ने नहीं देती हैं। जैसे मुझे लगता है कि अभी 12-1 बजे तक जब तक मन हुआ पढ़ लूं, तो ये बोलती है मैं मार दूंगी। मीन्स सच में सर, मतलब वो मारने का डर मुझे देती कि मैं तुमको मारूंगी। और सर फिर अगर सिर्फ ये 2-3 ही घंटे अगर लेटेंगी तो सोचो तो क्या वो नहीं दो तीन पड़ेगा? घंटे तो नहीं मम्मी, 4 ही घंटे में नींद इनकी पूरी नहीं हो। पूरा 7 घंटे सोती हूँ। हम ये झूठ 7 घंटे बोल कहाँ सोती हो, 11:30 बजे सोने जाती हैं, 11:30 बजे सोती हैं। रहे। हाँ, हाँ द आइडिया तो इज बेसिकली वन शुड एटलीस्ट स्लीप फॉर 7 आवर्स, दैट इज द बेयर मिनिमम, क्योंकि हाँ, कंसंट्रेशन की जरूरत होती है पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई करने के इंसान बाद ही तो बहुत होते थकान होती है। हैं, लेकिन ये मुझे मतलब सुबह मेरे पास से अरे अलार्म हट गए। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात भी सुनो। तो 7 घंटे में आपका जो, या तो आप कंटिन्यूस 7 घंटे सोए, दैट इज वन वे टू डू इट, ठीक है। दूसरा एक तरीका ये होता है कि 7 घंटे में आप 5.5 घंटे की लगातार नींद और उसके अलावा पावर नैप 1 से 1.5 घंटे का, इस तरह से आप कर सकते हैं। दीज आर द टू वेज टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, है इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को अप्रोच करें। ज्यादा होने चाहिए, 7 तो फिर भी कम बोल रहे हो, 7.5 तक ले जा सकते हो आप, 8 घंटे भी पढ़ लो, आठ घंटे भी सो लो तो भी ठीक सर बीच में बहुत डिस्टर्ब करती हैं पढ़ते वक्त, मतलब लगातार फ्लुएंसी नहीं मेंटेन करने देती हैं मम्मी। अब हम सर कैसे, एक माँ हो के ये जो कर रही है, बीच बीच में खाने पीने के लिए ऐसे उठती हैं, नहाने धोने के लिए। इनसे घर का काम तो हम सर किचन करवाएं, किचन में ये अब हम क्या बताएं, कहाँ ये मोबाइल अपने सामने लेके खाती है पीती है ये तो सर। हमने बोला है, ये तो हमने ही बोला है ना, मोबाइल सामने रख करके जो हैंड हाँ रिटन नोट्स है उनसे पढ़े और देखती रहे, तो रिवाइज होता रहेगा ना बेसिकली, दैट इज द आइडिया। तो वो खाना तो खाते टाइम ऐसा तो नहीं, खाना मुंह में, सवाल हाँ, सर दिमाग में होता है ना, सवाल थोड़े ना मुंह में होता है, ठीक है। सोचते हैं थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में कम से कम 10-15 मिनट रिलैक्स ले ले, थोड़ा अच्छे से आराम से नाश्ता कर ले, आराम से बात कर वो ले, सब करती हम हूँ मैं मम्मी, सोचते झूठ मत हैं। बोलो आप। चलो ठीक है, ओके, लेट्स 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 डिस्कनेक्ट एट दिस मोमेंट, वील गेट बैक टू यू, मतलब आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है, टेक केयर, है ना, गुड नाइट, है ना।